इस वीडियो में हम पुलिंग मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। पुलिंग एक फाउंडेशनल मूवमेंट है जिससे आप किसी भी चीज को अपने तरफ खींच सकते हो। जैसे हमने बात किया था पुशिंग में, आप एल्बोज को क्लोज रखो तो आपको ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस, आपके बॉडी ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस कर सकती है। वैसे ही पुलिंग में भी अगर आप अपने आर्म्स को बॉडी के क्लोज रखो तो पुलिंग मूवमेंट में आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो पुलिंग मूवमेंट, जैसे आप पुलअप्स देख सकते हो या फिर काफ़ी सारे और मूवमेंट है जो आप बारबल और डंबल से कर सकते हो पुलिंग मूवमेंट से रिलेटेड, लेकिन सबसे बेसिक है आप पहले हैंग करना स्टार्ट कीजिए। अगर ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए आप हैंग नहीं कर सकते हो तो जितना भी हो सकता है 10 से 15 सेकंड, जो भी आपसे बेस्ट हो पाता है वो आप कीजिए। पुलिंग मूवमेंट करने से आपका जो बैक है स्ट्रांग होता है, और पुशिंग पुलिंग के कॉम्बिनेशन से आपका ओवरऑल बॉडी स्ट्रांग होता है, जैसे फ्रंट एंड बैक। तो पुलिंग मूवमेंट करने के लिए आपको घर पे बारबेल नहीं है या फिर बार नहीं है तो आप रेजिस्टेंस बैंड से भी आप पुलिंग कर सकते हो। काफ़ी कॉमन है रेजिस्टेंस बैंड, आप कहीं पे लगा के आप अपने तरफ से पुल कर सकते हो एक हाथ से, फिर आप दूसरे हाथ से पुल कर सकते हो, फिर दोनों हाथ से पुल कर सकते हो। ये आप 30 सेकेंड, 60 सेकेंड या फिर 2-3 मिनट हर रोज अगर करते हो तो आपका बॉडी का जो पोस्चर है वो भी काफ़ी इम्प्रूव होता है, आपका जो अपर बैक स्ट्रांग होता है, आपका जो स्लाउचिंग है वो इम्प्रूव हो जाता है। तो पुशिंग और पुलिंग का कॉम्बिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो काफ़ी टाइम बैठ के लैपटॉप पे काम करते हैं। बेसिकली लैपटॉप पे आप जब बैठते हो तो आपका अपर बैक जो है काफ़ी स्ट्रेन में रहता है, और इसको स्ट्रांग करने के लिए आपको पुलिंग मूवमेंट चाहिए और कुछ पुशिंग मूवमेंट भी। अगर आप ये नहीं करते हो तो आपका नेक पेन, शोल्डर पेन, ये सब स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा भी अगर जब आप सही पोस्चर में करते हो पुशिंग और पुलिंग मूवमेंट तो आपका कोर भी स्ट्रांग होता है।